आज का एपिसोड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और वो इसलिए कि इस एपिसोड में उस जमाने के इंग्लैंड के पार्लियामेंट की बात की गई है, और वो सुनते सुनते आपको यही लगेगा कि ये तो हमारे ही पार्लियामेंट की बात हो रही है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सुनते हैं हिंद स्वराज का फिफ्थ चैप्टर, इंग्लैंड की हालत। संपादक के किरदार में शामिल पाठक रोहित और नैरेटर यानी कि मैं अक्षरा, सिर्फ कहानी स्वाद अनुसार पर। आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। आपका यही ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी ना हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं वह पार्लियामेंट तो बांझ और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई ना हो तो वह कुछ भी ना करे। ऐसी उसकी कुदरती हालत है, और वह बेसवा है क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विफ्ट है तो कल बालफर होगा और परसों कोई तीसरा। आपके बोलने में कुछ व्यंग है। पांच शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उसके ऊपर का अंकुश है। यही बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ ना हो तो इस तरह होना चाहिए, लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसीलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं, इसीलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज जो पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया गया हो ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाले हैरान परेशान हो जाते हैं। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। अगर कोई निष्पक्ष मेंबर इसमें अपवाद रूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है, और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप ना माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहां तक कहा कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं है। दूसरे मेंबर ने तो कहा कि पार्लियामेंट एक बच्चा, बेबी है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो बड़ी कब होगी? आपने मुझे सोच में डाल दिया। यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे? आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना होगा। अच्छा, अब बेसवा शब्द का विवेचन कीजिए। मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, ये बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वेश्या कहा। उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक नहीं हो सकता।
लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सिरी की नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वेश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है, वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती है। अब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। हाँ, ये सच है, मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजुर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते। इसीलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाए, लेकिन उनके पास वसीला काम कर सकता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। जब आपके ऐसे ख्याल है, तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है, उनके बारे में आप कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज्य का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। जो अंग्रेज वोटर है, उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रमाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखाते हैं, तो दूसरे दल वाले उसी को छोटी कर डालते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा, तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार है, उस देश के आदमियों की कैसी दुर्दशा होगी? यह तो आप ही बताइए। उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि सात सात बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूम सकते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी, तो वे नक्कराची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। उनमें एक बात जरूर है, वह ये कि वे अपने देश को खोएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली, तो वे उसकी मिट्टी पलित कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे, तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? इसमें अंग्रेजों का कोई कसूर नहीं है, वह यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। वह सभ्यता नुकसानदेह है और उससे यूरोप की प्रजा बर्बाद होती जा रही है। आप सुन रहे थे हिंद स्वराज का 5th चैप्टर, इंग्लैंड की हालत। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहे कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार। कहानी स्वाद अनुसार।